सबसे पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपको अपने जीवन को सही तरीके से जीने के लिए कितना पैसा काफी होगा? क्या 1 करोड़ काफी होगा? ओ, ये तो कम है, तो 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, इतना ही काफी होगा या इससे ज्यादा? चलो कुछ इससे बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो सोचा भी ना गया हो। यदि आपके पास दुनिया की सारी दौलत आ जाए तब तो ये काफी रहेगा। अब यदि कुछ ही देर में आपके मोबाइल में एक मैसेज आए और आपको पता लगे कि दुनिया का सभी पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ पता लगे कि दुनिया के सभी लोगों ने अपने अकाउंट में पैसा जीरो होने के कारण निराश होकर अपनी जान दे दी है, और अब आप इस दुनिया में अकेले पूरे संसार की दौलत के मालिक हैं, अब तो आप दुनिया में अकेले सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अब तो दुनिया के सभी महंगे से महंगा मोबाइल, टनों सोना, बड़े से बड़ा मॉल, सभी बिल्डिंग, जमीन और टेस्टी खाना सब कुछ आपका ही होगा। यदि ऐसा हो जाए तो बताइए कि दुनिया का सभी पैसा जो आपके अकाउंट में है उसका आप क्या करेंगे? सोचकर बताइए, उसे कहाँ खर्च करेंगे? शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि अब वो पैसा आपके किसी काम का नहीं होगा, और साथ ही आपने यह भी महसूस कर लिया होगा कि हमें पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें तो उन चीजों की जरूरत होती है जिन्हें हम पैसे से खरीदते हैं। मतलब कि पैसा खास नहीं होता, खास तो वह है जो आप पैसे से खरीदते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। अब यदि आपके अकाउंट में आए पैसे को हटा दिया जाए तो भी आपके पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, क्या आप इनका प्रयोग करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे। अब तो जो चाहे खाएंगे, जो चाहे पहनेंगे, पूरे शरीर को सोने से लाद लेंगे, अब तो ये भी इस्तेमाल करेंगे, वो भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि सभी चीजों का आप कितना इस्तेमाल करेंगे, किस किस चीज का आप उपयोग करेंगे, मतलब कि पूरी लाइफ में आप किस किस चीज को कितना उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको खाने में छोले चावल पसंद है तो आप उसे कितना खा सकते हैं? जाहिर सी बात है, आप उतना ही खाएंगे जितने में आपका पेट भर जाए। आप भी यहाँ छोले चावल भर पेट से ज्यादा नहीं खाएंगे, और यदि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को खिलाया जाए तो भी वह भर पेट से ज्यादा नहीं खाएगा। कुल मिलाकर मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को अपनी जरूरत से ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना भी ज्यादा पैसा हो या वो कितना भी पैसा कमाता हो। अगर आपके जरूरत से ज्यादा है तो वो आपका किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप उसका कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। बस यहाँ ये हो सकता है कि दुनिया के लोगों की जरूरतों में थोड़ा बहुत अंतर हो। अब आपको जीवन में उतने ही पैसे की जरूरत है जितना मूल्य की चीजें आप खरीदना चाहते हैं। यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। यह बात क्लियर हो गई कि हम अपने जीवन में जरूरत से ज्यादा चीजों का उपयोग नहीं कर सकते, तो पैसों के लिए पूरी दुनिया में चूहा दौड़ क्यों है? करोड़ों लोगों जरूरत से ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा क्यों रखते हैं, जबकि सबको पता है कि लोग अपने पेट में जरूरत से ज्यादा नहीं भर सकते, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा कपड़े नहीं पहन सकते, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा जगह में नहीं जा सकते, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा वेकेशंस पर नहीं जा सकते, लोग अपनी जरूरत से ज्यादा दुनिया में कोई भी चीज का उपयोग नहीं कर सकते? जब इतना सब लोग जानते हैं तो जरूरत से ज्यादा दौलत कमाने की चूहा दौड़ में क्यों लगे हुए हैं, जबकि अपनी शिक्षा के लिए वह अपनी बहुत सी चीजें खोते जा रहे हैं? हमारे जीवन में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? पैसों की, जरूरत की वस्तुओं की, या रिश्ते अथवा परिवार की? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन पूरे समाज को तो हम अपना नहीं बना लेते, लेकिन समाज के कुछ लोग आपके लिए खास होते हैं, जिनसे आप रिलेशनशिप बनाते हैं। अधिकतर लोगों के लिए रिश्तों से खास कुछ नहीं हो सकता, रिश्ते हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज है। हाँ, रिश्तों से मूल्यवान और एक चीज है, जो है स्वास्थ्य। यदि शरीर सही नहीं होगा तो कुछ सही नहीं होगा, यह सभी मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने रिश्तों और हेल्थ को दांव पर रखकर हम दौलत इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। मैं आपको बताता हूँ कि हम इस चूहा दौड़ की वजह से क्या क्या खो रहे हैं। आजकल लोग सुबह जल्दी घर से निकल जाते हैं और रात को देर से घर में आते हैं। अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक देर घर से बाहर रहना पड़ता है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ बिताने वाले गोल्डन टाइम को वो खोते जा रहे हैं। लोग अपने दोस्त तक की शादी में नहीं जा पाते, क्यों? क्योंकि नौकरी से छुट्टी लेकर जाएंगे तो पैसे कट जाएंगे या लोगों के पास टाइम ही नहीं है। इस कारण लोग जो दोस्तों के साथ जीवन भर का सुखद अनुभव मिलेगा उसे खोते जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने की तो बात ही नहीं आती, क्योंकि लोगों के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। जितना एक्स्ट्रा पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा तो बीमारी शरीर में लग जाती है, वो भी जिंदगी भर के लिए।
लोग बच्चे पैदा करते हैं क्यों? ताकि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बन सके। लेकिन आजकल तो लड़कियों या लड़का समय आने पर जॉब करने के लिए या तो शहर से बाहर चले जाते हैं या पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने माता पिता के लिए कोई टाइम ही नहीं है। न दिन का सुकून है न रात में चैन की नींद। क्यों? क्योंकि चूहा दौड़ में भागना है, नहीं तो अपने पड़ोसी से पीछे रह जाएंगे। चलो एक दिन आगे निकल भी गए तो केवल पैसे में आगे निकलेंगे, जबकि यह पता है कि दोस्त, रिश्ते, परिवार, हेल्थ सब कुछ बहुत पीछे छूट चुका होगा। जब यह सब कुछ पीछे छूट गया तो पैसे किसके लिए और क्यों कमाए? इसके लिए सबसे पहले यह जान ले कि आपको जीवन में कितनी दौलत की जरूरत है। यह पता करने के बाद उसे 80 से डिवाइड कर ले, क्योंकि 80 साल से ज्यादा आजकल लोग नहीं जी पाते हैं। फिर आपको जो अमाउंट मिलेगी उसे 12 से डिवाइड करके महीने की इनकम जान ले और उसी के हिसाब से स्मार्ट वर्क करें और पैसे कमाएं। अब सोचिए कि आप मृत्युशैया पर लेटे हुए और जिंदगी के कुछ ही पल आपके पास है, तो इस वक्त आप क्या सोच रहे होंगे? क्या आप ये सोच रहे होंगे कि शायद मैं और पैसे कमा लेता, या फिर ये सोच रहे होंगे कि शायद मैंने पैसों की वजह से अपने भाई के साथ झगड़ा ना किया होता तो आज हम साथ होते, शायद मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाता, या शायद मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया होता तो आज ये नौबत ही ना आती। दोस्तों यही सब चीजें हैं जो एक्चुअली में मैटर करती है, और अच्छी खबर यह है कि आप अभी भी जिंदा है और ये सब कुछ कर सकते हैं, बस अब फैसला आपके हाथ में। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।